हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय जीनियस एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है निम्बस लर्निंग के जॉब अपडेट सेक्शन में, जहां पे आपको मिलती है बहुत ही बेहतरीन जॉब अपडेट। तो जैसा कि आप जानते हैं, आपके लिए मैं लेके आता हूं बहुत ही बेहतरीन जॉब अपडेट। तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज फिर से एक नई अपडेट आपके लिए आ गई है। जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ लिया है, जैसा कि आप स्क्रीन के पीछे देख पा रहे हैं, आज की जॉब अपडेट है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI की तरफ से। क्या क्या पोस्ट है, कौन सी ब्रांच एलिजिबल है, सिलेक्शन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एवरीथिंग, सारी चीज मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को शुरू करते हैं। सो दोस्तों, FSSAI में कुछ पोस्ट निकली है, क्या पोस्ट है देखिए। पहले तो मैं थोड़ा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में आपको बताता हूं। आज जैसा कि आपको पता है, FSSAI जो है आपके फूड सेफ्टी को लेके कुछ स्टैंडर्ड को सेट करता है, और कोई भी प्रोडक्ट अगर उन स्टैंडर्ड को पास करता है तभी वो मार्केट में आता है, तभी वो आपके लिए अवेलेबल होता है। अदरवाइज अगर FSSAI ने उसको कैंसिल कर दिया तो वो फूड जो है आपका बेसिकली एज पर द स्टैंडर्ड नहीं आता है मार्केट में। चलिए, क्या क्या पोस्ट निकली है इसमें। पहली फूड एनालिस्ट की है, चार पोस्ट है। क्वालिफिकेशन एक बार बता देता हूँ आपको मैं। आपकी अगर MSc है इन द केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी और डेयरी केमिस्ट्री और फूड टेक्नोलॉजी में, तो डेफिनेटली आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर जो एक्सपीरियंस मांगा गया है वो 3 years का एक्सपीरियंस मांगा गया है। फिर अगर हम टेक्निकल ऑफिसर की बात करें तो 125 vacancies आर देयर। अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं तो इसके अंदर क्वालिफिकेशन आपकी रहेगी मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपकी, किसके अंदर, केमिस्ट्री में, बायोकेमिस्ट्री, फूड टेक्नोलॉजी, फूड साइंस टेक्नोलॉजी में, फूड न्यूट्रिशन में, एडिबल ऑयल टेक्नोलॉजी में और माइक्रोबायोलॉजी में, तो डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी एक्सपीरियंस मांगा गया है। कितना एक्सपीरियंस है इसके अंदर, पहले मैं एक्सपीरियंस के उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि जिन बच्चों ने BE/BTECH कर रखा है कौन कौन सी ब्रांच में, डेयरी टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी में, ऑयल टेक्नोलॉजी और फूड प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग में, तो आप डेफिनेटली आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। 125 वैकेंसीज हैं दोस्तों इसके अंदर, 125 वैकेंसीज, ठीक है। चलिए, और हाँ, इसके अंदर एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, ठीक है, तो ये विदाउट एक्सपीरियंस पोस्ट है, तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अगर मैं बात करूँ आगे सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर की, तो 37 पोस्ट है। इसके अंदर डिग्री होनी चाहिए आपकी फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ऑयल टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर साइंस में, तो डेफिनेटली आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी बायोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री मास्टर्स है तो भी आप डेफिनेटली इसके अंदर अप्लाई कर पाएंगे। अगर मैं असिस्टेंट मैनेजर IT की बात करूँ, 4 पोस्ट है। अगर आपकी BE/BTECH MTECH है, कंप्यूटर साइंस और किसी अनदर रेलेवेंट फील्ड में और रेलेवेंट स्ट्रीम में, तो डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है आपका। असिस्टेंट की बात करें तो ये जो वैकेंसी है जिसके अंदर 33 पोस्ट है, कोई भी स्टूडेंट इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकता है। 33 वैकेंसी है, जस्ट आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए, सिर्फ फ्रेशर के लिए है, कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा गया है। अगर IT असिस्टेंट की बात करें तो आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए और एटलीस्ट 1 साल के आपस में PG डिप्लोमा होना चाहिए, या आपकी डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या अगर आपके पास में इक्विवेलेंट डिग्री है जैसे कि आपके पास BE/BTECH है CS के अंदर, तो डेफिनेटली आप इसके अंदर अप्लाई कर पाएंगे। सो दोस्तों, ये कुछ पोस्ट थी जो आपके लिए है, ठीक है। अगर मैं एज की बात करूं तो फूड एनालिस्ट के लिए 35 इयर्स एज है मैक्सिमम, बाकी सभी पोस्ट के लिए 30 इयर्स इसकी मैक्सिमम एज आपकी रहेगी, तो आप लगभग सारे बच्चे इसको अप्लाई कर पाएंगे, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगर मैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं तो सिलेक्शन प्रोसेस इसका रिटन टेस्ट के बेसिस पे होने वाला है। पहले आपका यहां पे रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद में आपका इंटरव्यू होने वाला है, उसके बाद में आपका फाइनल सिलेक्शन जो है वो हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की, तो जनरल कैंडिडेट, OBC कैंडिडेट और यहाँ पे जनरल एंड OBC कैंडिडेट को यहाँ पे 1500 रुपीज पे करने हैं, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है। मुझे ऐसा लगता है स्टूडेंट से इतना चार्ज नहीं करना चाहिए, मैं इसके इस बात के खिलाफ हूँ। अगर ये वीडियो कोई अथॉरिटी देख रही है, कोई कंसर्न अथॉरिटी देख रही है, तो प्लीज़ थोड़ा सा बच्चों पे रहम कीजिए। इतने इतने पैसे कहाँ से लेके आएंगे बच्चे। अगर आप SC ST वुमेन कैंडिडेट हैं, PWD कैंडिडेट हैं, तो डेफिनेटली आप इसमें से 1000 रुपये घटा दो, मतलब 500 रुपये बेसिकली आपको यहाँ पे देने की रिक्वायरमेंट रहेगी दोस्तों। तो ये बेसिकली एप्लीकेशन फीस है। इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो 8th ऑफ अक्टूबर से ये फॉर्म जो है शुरू होगा, एंड इसकी लास्ट डेट जो है वो नवंबर 7 इज द लास्ट डेट फॉर दिस एग्जाम, और यू कैन से दिस फॉर्म, तो 7 नवंबर से पहले पहले आप इसको अप्लाई कर देना है बेसिकली आपको, ठीक है। सो दोस्तों, ये थी आज की अपडेट। आपको अपडेट कैसी लगी जरूर बताइएगा, अगर कोई सजेशन हो तो भी लिखिएगा, हम आपके लिए ऐसे ऐसी बेहतरीन जॉब अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे विद डिटेल्ड सॉल्यूशन। अगर आपको गेट के रिगार्डिंग अगर आपको जॉब अपडेट चाहिए तो हमारा जो चैनल है इंजीनियर्स एकेडमी का यूट्यूब पे, तो उस पर जा सकते हैं, काफ़ी सारी वीडियोस वहाँ पे आपको मिलेंगी, ठीक है दोस्तों। सो फिर से मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए जॉब अपडेट के साथ में। सो अगली वीडियो का कीजिए इंतजार, तब तक के लिए
नमस्कार। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.